दीवाने लोग के अलावा फिशार कब भी होता कब्र भी होता है ना आय जर नबी अम्बिया कन और आय मास कन और नाबालिग फुन और कम अक्लखन शक और दीवाने पागल शक लोग के अलावा दिन मिनम फ़िशार कब्र भी होता है फिशारब्र चोलो जुमे के रात या दिन गातः जुमे जगह गुच्छुक या जुम्मे गातः जबर शबि जुम्ह को मरने वाले शिखन कौन? या जवार आय या मासुमिन कु जवार छनला में दफन होने छिंच दफन बो दफन होने वाले दान दफन छन फ़िशार कब्र से महफूज है फिशारबिन आई मासमिन दफन बना जरे फिशार कब्र का मतलब ये है फिशार कब्र मल पचिन खुदा से सरकनिश करने वाले खुदा से सरक... सरकशी करने वाले खुदा वंदम सरकश ब खान खन या अपने अहल आयाल, अहल आयाल अयाल ला सरकश बखन खन या ममिन से सख्ती करने वालों या मोमिन लाजियत बन सख्ती बन को ज़मीन दबती है फिशारदुआ जब सजदम बलो

खुद अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा कि इतना डिपेंड करो मरने वालों के आजा यानी शिखन कुनी ना अशिफ पौने वह अहबाब का फरीजा है ना युद्ध खन कुनी का वाजिब इन लोचीरे कि वो मरने वालों के वाजबात को अदा करे यानि शिखन कनिंग आते वाजिब कन फिक मबा से रोज़ा ना बबा सेदनादुन गंगा आते अदा बार जिम्मी में जो हकूक़ खुदा या बंदे के बाक़े हैं या चीज़ खुए जिंग में अनु खुदा या हक हो फ्या मबा रोज़ा मबात मतमत दोन तगम शातस या खुद बंदू के वाक़ हो या चिचि के नातस मीची कहना किसी की खैर करें, वार भी करेंबनागा अच्छी बचा ब अमाल खैर मन जमता ताकि मोमिन का आसानी से गुजर जाए ताकि बरज़् मोमिन को बारज़्बो आसानी की जी छुक देशी दिन कौन आसान छुक जो खुदा कुछ ना होने पर सारी दुनिया को पैदा किया खुदा चाहत <osaurus> और मरने के बाद दोबारा जिंदा भी कर सकते अपना नया दोबारा जिंदा बचा सिंह और दुनिया के खत्म होने के बाद दुनिया पो खत्म सोच रही अपना इससे दोबारा पैदा भी कर सकते खुदांद दोबारा दुनिया जिंदा बचा सिंह वो खुदा इस पर भी कादर देखो खुदा खुदापुदी का कदर जिनने मरने वालों के लाशें पर लाशें ज़मीन पर पड़ी रहती है खुदा वंद आलम शीश न दे लाश कुन से कंग या जला देती है या मे तुख स्तंग मतंग या दरिया में डाल दे दे जाती है या तो छियाँ फंगस्तांग मतंग जिन लाशों को चील कौवें या दरंदे खाते हैं या दिल लाश कन देशमी कन की बंद कव दरंदाकन जन इन सब को इन सब की रूह को भी बरजख में रखेंगे जून रूह कनगार खेरचसन खुदा बरज़ख अगर ची इनकी तकलीफ में राहत हम नजर नहीं आएंगे मगर नता रखो तकलीफ वो राहत पो आराम पोता पहुँचस मिल लो एक बार एक काफिर की एक काफिर की खोपड़ी एक शख्स ने पाँचों इमाम अलैहिस्सलाम के सामने पेश की यशिक इमाम खिदमल्ला पाँचों इमाम इमाम महमद बाकरलामे खिदमल्ला काफिर ची गो गुफा तुरिय शखस की और पूछा जज इमामा ये खोपड़ी ठंडी है दी गोनमन गो नम ग्रंग इसको आज़ाब कहाँ से दिया जाएगा जो आज़ाब छू बस बचा जिन करे इमाम ने चमाग के पत्थर मंगा चमागे पत्थर मंगाई बस और पोषने वाले से कहा उधे सवाल बखान पर टीस देखो ये ठंडी है या नहीं जो ग्राम मोदो या मंदुक इस उसने छू कर कहा खोज लखपत तुख से नजर ठंडी है दूची दो ग्राम इमाम आलम ने फरमाया इनको एक दूसरे से रगड़ दो चिकपु चिकपु जुगा टुत रगड़ते ही पत्थर से चंगारिया निकलने लगा उदय पत्थर पे उन्होंने चिसो मिथक जुगा फरे इमाम ने फरमाया इमाम इस जो खुदा इस ठंडी पत्थर के अंदर आग रख सकता है खुदा वंद आलम दिख रंग मुर्दे मेजक पैया छजीन और इस खोपड़ी को इस ठंडी खोपड़ी को भी आग की सजा कर सकता है खुदा इस सजा दे सकता है खुदा इस दी ग्रामीण में तो खोपड़ी जिन खुदा सजाता वो शख़्स जो जवाब सुनकर इमाम को दुआ देते ही चला गया दे शखा इमाम दुआ यानी ना सो छाना इंशाल्लाह نتا پتا سن کی نتا شی سر یب دی کن خالی سن تا بس ختم سن سے یوتا خداوند کیا خدا وند دنیا دوباره زنده دونیا دوبارہ زندہ بچسین چانا وصل اللہ علی و سلم